बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम एक और नई रेसिपी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे व्हाइट सॉस, बहुत ही चीजी और यमी व्हाइट सॉस कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक छोटी सी कटोरी मैदा है, तो हमें मैदा चाहिए होगा इसके लिए। तो आइए पहले उसके प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैन चढ़ा लेना चाहिए और गैस की लिड अब मैं ऑन कर रही हूँ और हम इसे गरम होने देंगे अच्छी तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका पैन है वो गरम हो चुका है। तो अब हमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में इसमें बटर लेना है। बटर लेने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छी तरह से बटर आपको ले लेना है इसमें और फिर इसे हम इसमें मेल्ट करेंगे। पूरे बटर को बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और इसे गरम करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बटर है वो मेल्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, हमें जो हमने एक छोटी सी कटोरी मैदा ली थी, स्लोली ग्रेजुअली इसे ऐड करना है और इसे भी मिलाते जाना है। आपको मेक श्योर करना है कि लम्स इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। कुछ इस तरह से आपको लम्स को हटाते हुए इसे अलग अलग कर लेना है और हल्का सा इसे बटर में भून लेना है आपके मैदे को। अब धीरे धीरे जो बटर है वो आपके मैदे में से निकलने लगेगा, कुछ इस तरह से झाग निकलेगी उसमें से। आपको इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो अब जैसे ही ये इसमें से झाग निकलने लगेगी, हम स्लोली और ग्रेजुअली इसमें मिल्क ऐड करेंगे। स्लोली स्लोली ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है और फिर मेक श्योर करना है कि इसमें लम्स ना पड़े और अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। मैंने करीबन 2 बड़े कटोरी इसमें मिल्क ऐड किया है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा जैसे भी आप पसंद करें। और अब इसे अच्छी तरह से आपको मिला लेना है और लम्स को अच्छी तरह से इसमें से निकाल लेना है। कुछ इस तरह से आपको उसे हटाते जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें से लम्स बहुत ही अच्छी तरह से निकल चुके हैं, ये बहुत ही क्रीमी हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार ऑर्गेनो इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। करीबन 2 टेबलस्पून, जैसा भी तीखा आप खाना पसंद करें। और फिर करीबन 2 चुटकी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, ये डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, दिखने में कितना टेस्टी है और खाने में भी उतना ही लजीज है। इसके बाद में जब हम आप ये डालेंगे इसे, तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे आपके स्वाद के अनुसार। तो मैंने करीबन 1 चम्मच नमक, करीबन 1 टेबलस्पून चम्मच नमक इसमें ऐड कर लिया है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसमें ऐड करेंगे चीज। मैंने करीबन आधी चीज ली है, इसे तोड़कर मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लूंगी और फिर इसे अच्छी तरह से इसमें मिला लूंगी ताकि ये पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए और मिल जाए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। बस इस कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए और आपका जो सॉस है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है।
आप इसका इस्तेमाल पास्ते में कर सकते हैं, ये देखिए पास्ते में कर सकते हैं, मैगी में कर सकते हैं, या फिर लज़ानिया बनाने के लिए। जितना टेस्टी है और बहुत ही अच्छा है खाने में, बहुत ही लजीज है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये नई रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही ट्विस्ट के साथ मैंने बनाया है, ये बहुत ही चटपटा है, सिंपल नॉर्मल सॉस की तरह नहीं है, थोड़ा चटपटा है। तो मुझे ज़रूर ट्राई करके बताइए और अपने न्यू और डियर वंस के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।